और देखिए सीएम के चेहरे का ऐलान हो चुका है। रमन सिंह ने नए सीएम को बधाई दी है और कहा है कि मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। पूर्व सीएम रहे हैं रमन सिंह और राज्य तेजी से विकास करेगा, ये भी रमन सिंह ने कहा। पूर्व सीएम रहे और उन्होंने नए सीएम के चेहरे के ऐलान के बाद ना सिर्फ उनको बधाई दी बल्कि कहा कि मोदी की गारंटी की वजह से ही ये जीत हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा भी जुड़ गए। अमित, देखिए नाम का ऐलान तो हो गया है लेकिन अब सबसे पहली गारंटी या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े वादे या सबसे पहले वादे कौन से हैं जिनको आते ही मुख्यमंत्री पूरा करने जा रहे हैं? देखिए सबसे पहला वादा इन्होंने किया था कि सरकार बनेगी और सबसे पहला वादा वो जो घर का अब तक जो जिन लोगों को घर नहीं मिला है वो घर की सुविधा उनको दी जाएगी। पहला फैसला उस पर लिया जाएगा कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं घर बनाने को लेकर, घर देने को लेकर, पीएम आवास को लेकर, वो पीएम आवास पहले दिए जाएंगे। और उसके बाद किसानों को एक मुश्त की राशि, क्योंकि धान खरीदी अटकी हुई है, धान खरीदी का मसला 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बीजेपी ने खरीदने की बात कही थी, 21 क्विंटल के हिसाब से जिस तरीके से प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा, तो जिस तरीके से धान खरीदने की बात कही गई है, एक मुश्त धान खरीदी की बात उन्होंने कही है। तो ये तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जिसको सरकार बनने के साथ तुरंत ही बीजेपी यहां पर लेने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में अपनाया जा सकता है, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन खास बात यही है कि आदिवासी को जब छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महत्व दिया जा रहा है, जाहिर है कि आने वाले समय में देश भर में पीएम मोदी इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के साथ में ओबीसी वर्ग को साधने की जो कोशिश है बीजेपी की, उसमें यहाँ पर सफल साबित हो रहे हैं। आप देख लीजिए कि चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर प्रदेश का नेतृत्व हो, बड़ी सफलता और कई मुद्दों को साधने की कोशिश भी विष्णु साय के नाम को फाइनल करने के पीछे। लेकिन राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी लेकिन बैठक से पहले वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया है। दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही वसुंधरा राजे ने एक तरह से पार्टी को संदेश देने की कोशिश की है कि विधायकों की पहली पसंद वो है। दरअसल वसुंधरा के जयपुर पहुंचते ही उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर 5 विधायक मिलने पहुंचे। इन विधायकों में कोलायत विधायक अंशुमन सिंह भाटी, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री नटवर सिंह के बेटे और वैर विधानसभा के विधायक बहादुर सिंह कोहली शामिल हैं। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक